तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स में देखो क्या है, जैसे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या था, एफ ऑफ एस, तो लाप्लास इनवर्स कोई एफ ऑफ एस का फंक्शन होगा, तो आपको एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, लाप्लास ऑफ वन इज वन बाय एस, अब वन क्या आता है, वन बाय एस, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस क्या हो जाएगा, वन, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस इज वन। सिमिलरली लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 होता है वन अपॉन एस माइनस ए, तो इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए इज ई की पावर 80, वन बाय एस एन। इसे हमने लाप्लास पढ़ा था किसका, ई की पावर एन का। तो ये क्या होता है, ये होता है अगर मानो मैं इंटीग्रल ले रहा हूं तो एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। अगर आपसे कोई पूछे एस की पावर एन प्लस वन, अगर एस की पावर एन होता, अगर ये लाप्लास ऑफ डी की पावर एन माइनस वन आपसे पूछू मैं, तो आप क्या बोलोगे, और मैंने इंटीजर बोला है आपको, एन माइनस वन फैक्टोरियल और एस की पावर एन, तो अब आप इनवर्स लगाओ, तो टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस की पावर एन, वो ये लिखा हुआ है। तो जितने क्वेश्चंस करोगे ना उतने आपको आसानी हो जाएगी ये सब करने में, ठीक है। तो एस की पावर एन का क्या हो गया, यहीं से इसी से उल्टा लाना है हमको, तो टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे ही वन बाय एस माइनस ए की पावर एन, एस माइनस ए याद आया मेरे को, ये तो ई की पावर 80 था, तो पहले मैंने आग बंद करके ई की पावर 80 लिख दिया, तो ये अब हो गया वन बाय एस की पावर एन, वन बाय एस की पावर एन का ऊपर लिखा हुआ है, तो टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये आ गया। तो जितने पीछे अच्छे से जितने तुमने क्वेश्चन याद किए हैं और कॉपी में नोट्स बनाते हुए तुमने फॉर्मूला लिखा है, तो तुमको ये सब अपने आप क्विकली रिवाइज हो जाएगा, तो 4-5 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा तो तुमको ये याद होना शुरू हो जाएगा। वन बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब जैसे ये वन बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हमको तो कॉस टी और साइन टी याद आना चाहिए। साइन टी का लाप्लास क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर है तो साइन ए टी होना चाहिए यहाँ, साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इनवर्स किया तो ये हो जाएगा साइन ए टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए टी, ए से डिवाइड कर दिया इसको, तो ए से यहां डिवाइड कर दिया, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाय ए साइन ए टी, ठीक है। अब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका लाप्लास, ये किसका लाप्लास है, ये कॉस ए टी का लाप्लास है, ए यहां से देख के पता पड़ा, और कॉस ए टी का लाप्लास ये है, ठीक है। तो कॉस ए टी का लाप्लास है ये, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉस ए टी। ऐसे यही सोचा हमने कि ये किसका लाप्लास है, ये तो साइन हाइपरबॉलिक टी में देखा था हमने, कि बोले साइन हाइपरबॉलिक ए टी का लाप्लास क्या आता है, वो आता है वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर में ए, ये ए आप यहां ले आओ और फिर लाप्लास ले लो, इनवर्स ले लो, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, साइन हाइपरबॉलिक ए टी अपॉन ए, ठीक है। उल्टा याद करना है वो सपने को का, ऐसे एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबॉलिक ए टी का लाप्लास ये होता है, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक ए टी। अब जैसे आपने एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे आपने एस माइनस ए देखा तो आपको ई की पावर ए टी याद आया, तो आपने पहले तो वो लिख लिया, फिर बन गया ये एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो या तो ये साइन बी टी होगा या ये कॉस बी टी होगा, अगर कॉस बी टी होता तो ऊपर एस का टर्म आना चाहिए था, ऊपर एस नहीं है तो ये साइन का ही होगा, ठीक है, तो साइन बी टी हो गया, और साइन बी टी का अगर ये होता तो यहां पे बी भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे b इंटू और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे b आ जाएगा आपके पास वन बाय बी, मतलब आप इसका लाप्लास निकाल के देख लो, इसका लाप्लास आएगा क्या, b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हो गया, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e की पावर 80 है तो a से शिफ्ट कर दिया एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही है। ऐसे इसका लाप्लास लिखते तो हम क्या लिखते हैं, ये s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो cos बी टी तो मैंने पहले लिख दिया, कि कॉस बी टी का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए से शिफ्टेड भी है तो ई की पावर 80 से इंटू कर दिया, तो ये आंसर है, ठीक है। सिमिलरली ये है, अच्छा ये मैंने याद करने को बोला है था, पर मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, टी साइन टी का लाप्लास क्या आया था उसमें, आप देखना, टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये टू ए तो कॉन्स्टेंट है, तो टी साइन टी बाय टू ए
लाप्लास के अंदर भी जा सकता है ये तो। इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये लाप्लास हटा के यहाँ इनवर्स लगा दिया, तो लाप्लास इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, ये तो टी साइन टी अपॉन टू ए, किसका लाप्लास इनवर्स है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर चलो एक और याद रख लिया हमने, पर ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये कब आएंगे, जब आप लाप्लास की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो इसकी भी आ जाएगी आपको आराम से। वो फॉर्मुलेज याद है तो यहाँ आप क्विकली लिंक कर पाओगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, ताकि आपको ये भी याद हो जाए चीजें। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देखो पहला, तो लाप्लास इनवर्स अपने को इसका निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप छोटे छोटे फंक्शंस में इसको डिवाइड करो, इसे एस स्क्वायर बाय एस क्यूब किया तो ये आ गया 1/s माइनस 3s बाय एस क्यूब इज एस स्क्वायर 4/s³ ये आ गया। तो अब ये इनवर्स भी वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है लीनियर वाली, 1/s - 3 बाहर लाप्लास इनवर्स ऑफ y² प्लस 4 बाहर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³ ये हो गया। तो लाप्लास इनवर्स 1/s का तो क्या हो जाएगा, जैसे लाप्लास 1 का क्या होता है, 1 का होता है 1/s। ठीक है, तो 1/s का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 - 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s², तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n क्या होता है, t⁻ⁿ - 1/n-1 फैक्टोरियल, हो जाएगा 3, n क्या है इसमें 2, तो 3t⁻ⁿ - 1 is 2 - 1, तो 1 फैक्टोरियल 1, तो 1/s² किसका आ जाएगा, t का आ जाएगा, तो -3t हो गया। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³, तो 1/s³ यहाँ 3, तो t का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, ये हो गया 1 - 3t प्लस 2t² ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ सेकंड देखो, ये और ये कैसे निकालेंगे, तो नीचे देखो स्क्वायर जब भी दिखे, नीचे क्वाड्रेटिक दिखे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की कोशिश करो। क्यों करो ऐसा, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक देखते ही नीचे लाप्लास ऑफ साइन 80 और कॉस 80 याद आ जानी चाहिए। साइन 80 का लाप्लास तो क्या होता है अपने पास, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस 80 का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको याद आ जाना चाहिए। तो पहले तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो लाप्लास इनवर्स एस प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 है ये, है ना, तो यहां मैं अगर प्लस 4 कर दूं तो ये तो क्या बन जाएगा, एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 2, एक तो आ गया एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां एस माइनस 2 है तो ऊपर भी अगर एस माइनस 2 बनाए तो हो सकता है हमको वो एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी भी याद आ जाए, तो एस माइनस 2 पर बनाए प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। अब इसको अलग अलग कर लो आप, तो लाप्लास इनवर्स किसका हो गया, ये एस माइनस 2 अपॉन एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 कितना हो गया, प्लस 4 बाहर आ गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, ये आ गया। तो यहां एस माइनस 2 है तो ई की पावर 2t तो पहले देखना चाहिए, और फिर क्या, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो कॉस 3t, ये कॉस 3t का लाप्लास करोगे तो क्या आएगा, 9 सॉरी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और 2 से शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया प्लस 4 टाइम्स। अब यहाँ एस माइनस 2 दिख रहा है प्लस 9 दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो अगर यहाँ ऊपर कांस्टेंट होता, कांस्टेंट बना सकते हैं ऊपर, तो कांस्टेंट अगर मैंने ऊपर ये 3 का स्क्वायर यहाँ मैंने इंटू 3 कर दिया और डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, देखो आप 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 कैसे आता, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो साइन 3t का लाप्लास लगाते हैं तो ये आता 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
अब 3 माइनस 2 है तो 2 से शिफ्टेड है, तो e की पावर 2t तो आना ही था। तो अब इस पूरे का लाप्लास करो, ये होगा 3 अपॉन s² + 9, और 2 से शिफ्ट कर देता है s-2। तो ये 4/3 भी है यहाँ, 4/3 भी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया है ना। तो अगर लाप्लास के फॉर्मूले अच्छे से आ गए तो ये भी आराम से हो जाएगा। तो हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखो, 2s² - 6x + y, इतना बड़ा आएगा नहीं पर स्टिल ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, अपॉन s³ - 6x² + 11s - 6। ठीक है, तो लाप्लास के लिए आपको थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन भी आना चाहिए, तो थोड़ा 11, 12 में अपने पार्शियल फ्रैक्शन किया ही है, तो वो भी आपको थोड़ा आना चाहिए है ना। तो अभी मैं इसमें बता भी दूंगा आपको, जैसे s³ - 6x² + 11s - 6 ये है, तो इसको पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, प्लस 11s 6। तो s³ इसमें एक देखो, अगर s=1 रखूं मैं, तो एक रूट तो इसका 1 मुझे सीधा सीधा दिख रहा है। आप हमेशा जब भी क्यूबिक हो ना तो +-1 +-2 इतना ट्राई करके देख लिया करो, यही ज्यादा से ज्यादा यही एक रूट तो आपको इनमें ही मिल जाएगा क्यूबिक के केस में। ठीक है, अगर जो एग्जाम में आएगा वो, नहीं तो क्या इनके बड़े मेथड्स हैं वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं और कभी आता भी नहीं है। तो 1 रखा मैंने इसमें, तो 1 तो क्या गया, 1 + 11 12 - 12 0, तो एक रूट तो इसका 1 है, एक रूट 1 है इसका। तो इसको मैंने आपको लिखना सिखाया था शुरू में, कैसे लिखोगे, s-1 लिख लिया बाहर, तो अब s³ बनाना, तो s² हो गया, तो s³ आ गया -s² पर यहाँ पे -6x² है, तो +7s कर दिया, +7s से क्या हो गया, 7s² - s², तो 6x² बन गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ क्या है, -s² था, और चाहिए क्या हमको, -6x² चाहिए, तो -5 करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, तो जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी है। तो क्या था, s³ आ गया था पहले, s·s³ - s² आया, पर हमारे पास -6x² चाहिए, तो -5s और चाहिए, तो s·-5s - 5s² - s² - 6x² ये भी आ गया, एक्स्ट्रा क्या बचा, -1 × 5s, दैट इज +5s एक्स्ट्रा बच गया, ये तो टेक केयर हो गया, +5s आ गया एक्स्ट्रा। यहाँ 11s है, तो +6s चाहिए आपको, तो हमने क्या किया, +6 × किया, तो 6x + 5s, तो 11s आ गया, -1 × 6 - 6 आ गया, तो आ गया। तो इसको हमने s-1 × ये लिख लिया, अब इसको वापस फैक्टराइज कर लो, तो इसके फैक्टर्स तो मुझे दिख रहे हैं 2 और 3, तो ये हो जाएगा s-1 है ना, s-2, s+3। ये मैंने ऐसे कैसे पहचान लिया, किसी क्वाड्रेटिक को आप हमेशा ऐसे लिखते हो, s² - sum of roots, sum of roots × s + product of root, ऐसे किसी भी क्वांटिटी को लिखा जा सकता है। तो सम ऑफ रूट तो 5 होना चाहिए, तो 2 + 3 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 होना चाहिए, तो 2 × 3 हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए, 2 और 3 आ गया आंसर, s-2 s-3। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लो, s²-2s - 3s + 6 करके, तो भी आ जाएगा। तो हुआ क्या, बस तो एल इनवर्स हमने क्या लिखा, 2s² - 6s + 5 डिवाइडेड बाय s³ - 6s² + 11s - 6, इतना आ गया। और इसको हमने क्या लिख दिया, 2s² - 6s + 5 डिवाइडेड बाय s-1 s-2 s-, ये आ गया। अब आप देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं इस पे, तो 2s² - 6s + 5 डिवाइडेड बाय s-1 s-2 s-3। इस पे अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, तो अगर नीचे पावर 1 1 1 है, तो इसको आप ऐसे हमेशा लगा सकते हो, a की पावर s-1, b की पावर s-2, c की पावर s-3, कब, जब पावर 1 हो, याद रखना। अगर स्क्वायर होता है यहां, तो मानो s-1 का स्क्वायर होता, तो मैं कैसे लिखता, a·s-1² + b·s-1, वहां तक जाना है जहां तक, जैसे s-1 से स्टार्ट करते हैं, जहां तक मैक्सिमम पावर है वहां तक जाना है, +c·s-2 + d·s-3। मानो इसका भी, इसका क्यूब होता, तो इसकी भी s-2 की पावर 1, फिर s-2 की पावर 2, s-2 की पावर 3, एंड सो ऑन, ऐसे खुलता ही है, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर लीनियर है तो वहां तक जाओ, यहां तक एक पावर तक था, एक पावर तक ही गए हम लोग,
इसको मिटा देते हैं पहले एक बार। तो ये तो कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। अब एबीसी का वैल्यू निकालना है आपको, तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक देखो बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम लो, एस माइनस वन, एस माइनस टू, एस माइनस थ्री को काटो और कुछ वैल्यूज चूज करो जिससे आपको एबीसी मिल जाए, है ना। वैसे एक तरीका तो वो है कि आप वैल्यूज कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो हर वैल्यू के लिए बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो आपने तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए, आपने एस इक्वल टू फाइव रखा तो ही बराबर आएगा, एस इक्वल टू टेन रखा तो ही बराबर आएगा, एस इक्वल टू हंड्रेड रखा तो भी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो तीन इक्वेशन आ गई, तीन अननोन निकाल लिया, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो उसकी थोड़ी लेंदीनेस कम करने के लिए हमने क्या किया, अगर आपके पास ये जो रूट है ना नीचे, ये वन ऑर्डर का है, तो आप क्या करो, अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट निकालना है, एस माइनस वन के करस्पॉन्डिंग, तो जो भी जगह बची ना उसमें वन को छोड़ के बाकी जगह वन रख दो, एस माइनस वन को छोड़ के जो भी बचा उसमें वन रख दिया हमने, तो जो बचा उसमें वन रखा तो ये क्या आ जाएगा, टू और फाइव सेवन, माइनस सिक्स वन, नीचे यहां वन रखा तो माइनस वन, माइनस टू इज माइनस वन और वन माइनस थ्री इज माइनस टू, तो माइनस वन इंटू माइनस टू इज टू, तो ये तो हाफ आ गया डिवाइडेड बाय एस माइनस प्लस एस माइनस टू है, ठीक है, एस माइनस टू है ये, एस माइनस टू को छोड़ के बाकी जो बचा उसमें टू रख दिया, तो फोर टू जा एट प्लस फाइव थर्टीन माइनस ट्वेल्व वन, नीचे भी यहां रखना है, एस माइनस टू को छोड़ के बाकी जगह हमने क्या रख दिया टू, तो टू माइनस वन इज वन इन टू माइनस वन, तो ये माइनस वन, वन अपॉन माइनस वन डिवाइडेड बाय एस माइनस सी क्या आ जाएगा, एस माइनस थ्री को छोड़ के बाकी जगह थ्री रख दिया आपने, तो ऊपर से तो क्या आएगा, नाइन टू जा एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस एटीन, तो एटीन और ये एटीन तो कैंसिल हो गया, बचा फाइव, तो ये ऊपर से तो फाइव आया डिवाइडेड बाय थ्री रखा यहाँ, थ्री माइनस वन इज टू, थ्री माइनस टू इज वन बाय टू ऑन एस माइनस थ्री, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ऐसे क्यों लिखा अब आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसका इन्वर्स हमको आता है, तो लाप्लास इन्वर्स इसका निकालना है अपने को, हाफ अपॉन एस माइनस वन, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है हमको, ठीक है, इसका लाप्लास निकालना था, इट इज इक्वलेंट टू इसका लाप्लास निकालना है, तो हाफ तो बाहर आ गया और लाप्लास इन्वर्स बचा गया इसका हाफ ऑफ एस माइनस वन, वहां से माइनस वन बाहर आ जाएगा, वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन, लाप्लास इन्वर्स किसका निकालना है, वन अपॉन एस माइनस टू, सिमिलरली फाइव बाय टू बाहर आ जाएगा और लाप्लास इन्वर्स किसका निकालना है, वन अपॉन एस माइनस थ्री का, तो हाफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस वन, तो ई की पावर टी हो गई, ई की पावर टी का लाप्लास करो तो क्या आएगा, वन अपॉन एस माइनस वन, तो इसका इन्वर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर टी माइनस, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टू टी प्लस फाइव बाय टू ई की पावर थ्री टी, ये आपका आंसर है, ये जो गिवन इनवर्स था उसका ये आंसर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा था पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक ये क्वेश्चन देखो।